नमस्कार, आप देख रहे हैं बलिया लाइव। आइए जानते हैं अभी तक की बलिया की खास खास खबरें। आगामी दिनों में गंगा नदी एवं सरयू नदी के जल स्तर का अभी और वृद्धि होने की आशंका है। गंगा एवं सरयू के जल स्तर में निरंतर वृद्धि होने के कारण जनपद की तहसील सदर बैरिया बासडी सिकंदरपुर एवं बेलथरा रोड के गाँव प्रभावित हो सकते हैं। डीएम ने लोगों से सचेत रहने को कहा है और अधिकारियों से किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी पूरी करके रखने को कहा है। सुखपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम अपायल में रविवार की देर रात एक युवक पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर चार नामजद एवं कुछ अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। बासडी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 11 निवासी एक 30 वर्षीय युवक अंकित सिंह बारिश होने के बाद छत से पानी निकालने के लिए दूसरी मंजिल पर गया था। पानी निकालते वक्त उसका पैर फिसल गया और वह आंगन में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। वाराणसी में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बैरिया थाना क्षेत्र के दया छपरा गांव निवासी दिलीप कुमार यादव उर्फ डोका पुत्र शेखर यादव को रविवार की रात बदमाशों ने बिहार प्रांत के मुजफ्फरपुर जिले के रामपुर हरी थाना क्षेत्र के हजरतपुर गांव में गोली मारकर हत्या कर दी। बासडी कस्बे में नगर पंचायत द्वारा निर्माणाधीन नाले में निकले सरिया से उलझकर शनिवार देर शाम एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोग तत्काल उसे लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बासडी पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति देखते हुए बेहतर उपचार हेतु वाराणसी रेफर कर दिया। बासडी कोतवाली क्षेत्र के खरौनी मोड़ पर रविवार की देर शाम पुलिस ने सड़क से गुजरने वाली महिलाओं पर अश्लील फप्तियां कसने वाले युवक को स्थानीय लोगों की शिकायत पर गिरफ्तार किया। पकड़े जाने पर युवक की सारी अकड़ तुरंत ही ढीली हो गई और माफी मांगते हुए उसने पुलिस से कहा कि वह सिर्फ मजा ले रहा था। पुलिस ने युवक को संबंधित धाराओं में चालान कर दिया। बेलथरा रोड नगर में सोमवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा ईद मिलादुन्नबी का जुलूस परंपरागत तरीके से शांतिपूर्ण वातावरण में निकाला गया। सिकंदरपुर क्षेत्र में ईद ए मिलादुन्नबी त्यौहार कस्बा व ग्रामांचलों में खुशी के माहौल में अकीदत के साथ मनाया गया। इस्लाम धर्मावलंबियों ने सुबह अपने घर पर फातिहा कराई और शाम को मकानों व मस्जिदों पर रोशनी कर जमकर खुशियाँ मनाई। रसड़ा नगर में पूरे अकीदत एवं एहतराम के साथ 12 वफात का भव्य जुलूस सोमवार को निकाला गया, जिसमें मुस्लिम संप्रदाय के साथ साथ अन्य संप्रदाय के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इन खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप baliyalive.in पर विजिट कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।